हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर्स में कुछ नई एंट्रीज सीखेंगे और उसके बाद हम हमारा नया क्वेश्चन नंबर 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। हमने स्टार्टिंग में टर्म्स ऑफ इशू जब डिस्कस किया था, हमने देखा था कि कंपनी शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट इशू कर सकती है। एट पार शेयर्स इशू करने का मतलब क्या होता है, जो शेयर 10 रुपीज़ का है उसे 10 रुपीज़ में ही मार्केट में इशू करना। जब शेयर की नॉमिनल वैल्यू और शेयर्स की इशूड प्राइस सेम हो तो उसे कहा जाता है शेयर्स आर इशूड एट पार। जब शेयर की नॉमिनल वैल्यू कम हो और शेयर्स की इशूड वैल्यू ज़्यादा हो, एग्जाम्पल 10 रुपीज़ के शेयर को जब आप 10 से ज़्यादा 11, 12, 13, 14, 15 किसी भी ज़्यादा नंबर्स, ज़्यादा अमाउंट पर अगर आप इशू करते हो तो उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, क्योंकि आपने नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा महंगा शेयर इशू किया। और अगर आप 10 रुपीज़, एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज़ के शेयर को 10 से कम 9-8 रुपीज़ में अगर इशू करते हो तो यहाँ इसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, क्योंकि आपने शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू से कम प्राइस पर क्या किया है, इशू किया है। तो अब तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे वो सारे के सारे क्वेश्चंस में शेयर्स इशू किए जा रहे थे एट पार। सारे क्वेश्चन में जितना नॉमिनल वैल्यू था हम सारे इंस्टॉलमेंट्स की टोटल करते थे उतना ही अमाउंट मिलता था। तो वो सारे क्वेश्चंस कौन से थे जहां पर शेयर्स को एट पार इशू किया जाता है। आज हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रीमियम वाला होगा या डिस्काउंट वाला, वैसे ये प्रीमियम वाला है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक नई कैटेगरी ऐड हो रही है जहाँ पर शेयर्स एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी यही बता दूँ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ये अलाउड नहीं है, बट कंसेप्ट है तो हम उन एंट्रीज को सीखेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर मैं आपको सारी एंट्रीज, कुछ बेसिक सी एंट्री रिवाइज करवाऊंगा और फिर नई एंट्रीज हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में शेयर्स का इशू ऑफ शेयर्स है एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या रहेगी, सेम। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड की भी एंट्री क्या रहेगी, सेम, जैसे हमने अब तक पढ़ी है। तो सर यहाँ पर कौन सी एंट्री में चेंज होता है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, तो जिस एंट्री में चेंज होता है वो है बच्चों एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में हम इस प्रीमियम और इस डिस्काउंट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार उन बेसिक्स एंट्रीज को भी रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए और यहाँ पर फुल फ्रेश कंटेंट भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखेंगे पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री बच्चों जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर आप ये एंट्री कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, ट्रांसफर वाली कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जो मैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बताऊंगा वो तो कंपलसरी करनी है। ये मैं आपके रिविजन के लिए लिख रहा हूँ। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंट्री आ जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये एंट्री हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये जस्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर की एंट्री। इसके बाद ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर टू कैपिटल। इतनी बार एंट्रीज बताने के बाद क्या होता है बच्चों, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। बस इसीलिए इन एंट्रीज को बार बार इंक्लूड कवर करने की कोशिश की जा रही है। ट्रांसफर टू कैपिटल की एंट्री आ जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी है, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर अगर आप गलती से भी कैपिटल डेबिट में लिखते हैं आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, जैसे अभी मुझे क्लिक हुआ कि मैंने कैपिटल डेबिट में क्यों लिख लिया, कैपिटल तो क्रेडिट में आना चाहिए।
नॉर्मल केसेस में। सो वही आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ जो क्रेडिट में हुआ है वही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गए हमारे दोनों एंट्रीज। अब इन दोनों एंट्रीज के बाद अब हम थर्ड एंट्री की बात करते हैं। सर इस एंट्री में आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चेंजेस बताए थे, उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों जब हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में, अगर क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी है और अगर एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड हो रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट में और एक अकाउंट ऐड होता है टू बैंक। टू बैंक किसके लिए ऐड होता है? फॉर रिफंड। किस बात का रिफंड? एक्सेस एप्लीकेशन में रिफंड है तो क्रेडिट में क्या ऐड होता है? टू बैंक। कौन सी एंट्री में? सेकेंड वाली एंट्री में। कौन सी? ट्रांसफर टू कैपिटल। क्लियर? अच्छा सर कभी कभी प्रो डेटा अलॉटमेंट होगा जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो लोगों को वापस नहीं दिया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि आपके पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए जाएंगे, तब क्या लिखते हैं? तब बच्चों इस ट्रांसफर की एंट्री में यहां क्रेडिट में और एक अकाउंट ऐड होता है, वो है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट ये कब होता है? जब क्वेश्चन में कैसा अलॉटमेंट हो? प्रोरेटा अलॉटमेंट हो, जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगी तो बच्चों हम कुछ इस तरीके की एंट्री करेंगे। क्या ये क्लियर है? हाँ सर ये भी क्लियर है। और अब बारी आती है हमारे आज के स्टार पॉइंट की, जिसके लिए हम इन एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चों आगे बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और डिस्काउंट की। मैं पहले नॉर्मल एंट्रीज लिख लेता हूं जिसे हम कहते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी आती है? नेक्स्ट एंट्री आती है सर अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट ड्यू। अब अलॉटमेंट ड्यू की जो नॉर्मल एंट्री है जो आपको आती है, जो हमने पढ़ी है सीखी है, वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं यहां कुछ जगह रख रहा हूं डेबिट में, यहां एक अकाउंट ऐड करूंगा इसलिए टू शेयर कैपिटल। इक्विटी होगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। ठीक है अब मैं इस एंट्री में कुछ चेंजेस करूंगा, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में ऐड करूंगा, जिससे प्रीमियम और डिस्काउंट वाले कंसेप्ट क्या हो जाए? इंक्लूड हो जाए। तो बच्चों यहां पर अब हम देखते हैं प्रीमियम वाला कंसेप्ट कैसा होता है। तो मान लीजिए बच्चों जब भी क्वेश्चन में जो 10 रुपीज का शेयर है, राइट, एग्जाम्पल के लिए शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 15 पर शेयर, जब हम 10 रुपीज का शेयर 15 रुपीज में इशू करते हैं तो यहां 10 रुपीज का शेयर कितने में इशू किया? 15 में। कितना ज्यादा है? 5 रुपीज। तो यहां पर ये जो 5 रुपीज ज्यादा है बच्चों, ये 5 रुपीज क्या है? प्रीमियम। ये क्या है? प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है बच्चों, इसे जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है या जिस नाम से लिखा जाता है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या कहते हैं इससे? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ऑन एंड अबव फेस वैल्यू, उस अमाउंट को कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मान लीजिए जब आप अपना 10 रुपीज का शेयर मार्केट में 10 रुपीज से ज्यादा में इशू करते हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि ये जो अमाउंट्स है ये कैसे मिलते हैं? इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल। तो उस प्रोसेस में ये जो प्रीमियम की अमाउंट है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज है बच्चों, ये नॉर्मली क्या सारे क्वेश्चंस में अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, तो उस इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट इंक्लूड होगी। फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹15, तो जो इसका इंस्टॉलमेंट है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है क्वेश्चन बता देगा कि एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है, एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने लिखा होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और उसके बाद मैं यहां पर इसको फर्स्ट को ही फाइनल बना देता हूं आपके एग्जांपल के लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन अ शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 15 पर शेयर, जो कंपनी को एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मिलेगा बच्चों वो अमाउंट हम मान लेते हैं ₹4, राइट, और जो अलॉटमेंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो अमाउंट है
इस अमाउंट को हम यहाँ पर मान लेते हैं, अगेन कितना मान लेते हैं, 6 रुपीज़, राइट। और यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं, नहीं सर यहाँ पर 6 नहीं मानेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर कितना है, 7 रुपीज़ रख लेते हैं। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 11, तो और यहाँ पर 4 रुपीज़ मान लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये मैंने कुछ जो एज यूजुअल क्वेश्चन में अमाउंट्स होंगे उससे हटके कुछ अमाउंट्स लिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 रुपीज़ इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब यहाँ पर अगर हम इनकी टोटल करते हैं तो 7 + 4 कितना हो गया, 7 और 4 11 11, एंड 11 + 4 कितना हो गया, 50। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वो बच्चों किस में है, अलॉटमेंट में है। मतलब अगर हम इस अलॉटमेंट के 7 रुपीज़ में देखें तो इस 7 रुपीज़ में बच्चों प्रीमियम कितना है, सर ऊपर ही हमने क्वेश्चन में देख लिया था प्रीमियम 5 रुपीज़ है। तो इस 7 रुपीज़ में 5 रुपीज़ क्या है बच्चों, प्रीमियम है, और जो 2 रुपीज़ है ना, वो 2 रुपीज़ है वो क्या है, कैपिटल है। 2 रुपया किसका है, शेयर कैपिटल का है, और जो 5 रुपीज़ है वो किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। तो जनरली जो भी क्वेश्चंस हमें देखने मिलेंगे उन सब क्वेश्चंस में ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली अमाउंट है वो किस में एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट में। इसीलिए हम ये जो चेंजेस हैं वो किस में करते हैं, अलॉटमेंट में। तो बच्चों अलॉटमेंट ड्यू की हमारी जो नॉर्मल एंट्री है पहले वो एक बार देख लीजिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां सुनो, अब ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये कंपनी, लेट्स से अगर हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और अगर हम हमारा 10 रुपीज़ का शेयर 15 रुपीज़ में इशू करेंगे, हमें इसी क्वेश्चन को समझते हैं, अलॉटमेंट में 7 रुपीज़ मिल रहा है और इस 7 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ प्रीमियम है और 2 रुपीज़ कैपिटल है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है, आगे आके और थोड़ी सी चीज़ें में क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर हमें ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कंपनी को, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है बच्चों इसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और जिस अकाउंट में लिखा जाता है उस अकाउंट को कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या कहा जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कब लिखेंगे बच्चों क्रेडिट में, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यहां मैं मेंशन कर लेता हूं, इशूड एट प्रीमियम। तो जब भी क्वेश्चन में शेयर्स इशू एट प्रीमियम होंगे तो एंट्री कैसे होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मैं यहां आपको अमाउंट लिखकर बता देता हूं, देखिए जैसे मैं सिर्फ पर शेयर अमाउंट लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां देखिए अलॉटमेंट का कितना रुपीस मिल रहा है, 7 रुपीस, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट है वो कितना आएगा, 7, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। मैं एक पर शेयर अमाउंट के हिसाब से आपको लिख के बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हमें पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना है, सर 5 रुपीस, और कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2। तो देखिए यहां पर हमारी ये एंट्री टैली हो जाती है, दैट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 रुपीस। अब इस 7 रुपीस का ब्रेकअप बताएंगे कि इस 7 में से सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 5, और कैपिटल कितना है, 2 रुपीस। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, हमें सिर्फ एंट्री के फॉर्म में अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री को थोड़ा सा अपडेट करना है। सादा सूखा ड्राई एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम जानते हैं। अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आपको ऐड करना होगा। और मान लीजिए कभी कभी तो कंपनी अपना 10 रुपीस का शेयर 10 रुपीस से कम, मान लीजिए 9 रुपीस में अगर कंपनी शेयर इशू करती है, एग्जाम्पल के लिए अगर कर रही है कंपनी शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट है वो कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि आप जो शेयर होल्डर्स को वैल्यू दे रहे हो शेयर्स की वो है 10 रुपीस का शेयर दे रहे हो 9 रुपीस में, तो कंपनी के पास 1 रुपीस कम आएगा, 1 रुपया कम आएगा, और वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। एंड वी नो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब कभी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को क्या किया जाता है, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को क्या किया जाता है, डेबिट। यहां पर लिखा भी है वैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहां लिख भी देते हैं इशूड एट डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट। मतलब अब फुल फ्लेज फुल्ली अपडेटेड एंट्री कैसी है,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री में मैक्सिमम क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है तो हम डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। क्या ये क्लियर है? हाँ। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, क्या एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ये होगा क्या? नहीं होगा। तो बच्चों या तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट आएगा और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्या ये क्लियर है जी? तो बच्चों ये एंट्रीज में चेंजेस है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। बाकी फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड की एंट्रीज क्या रहेंगी? सेम। जैसे जैसे उन एंट्रीज में भी चेंजेस आएंगी मैं आपको वो एंट्रीज भी बताते चलूंगा। तो बच्चों आपको जो मैंने स्टार्टिंग में ओरिजिनल एंट्रीज बताई है वो अच्छे से याद रखनी है, और जो जो चेंजेस आएंगे हम उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, इंक्लूड करते चलेंगे हमारे पार्ट में। तो इन एंट्रीज में से अगर आप ये दो एंट्री वापस नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये एंट्री आपको कंपलसरी लिखनी है, समझनी है। और अभी से जब कभी मैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कहूंगा आप हमेशा पहले ओरिजिनल एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे, और अगर क्वेश्चन में इशूड एट प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट में, और अगर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट में ऐड करना भूलेंगे नहीं। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं रूलिंग करके आपसे मिलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की रूलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग भी बच्चों रूल कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं उसके बाद आप रूलिंग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू रुपीज 100 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेएबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 एन अलॉटमेंट एंड 10 रुपीज प्रीमियम, रुपीज 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 रुपीज प्रीमियम। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखने जैसी हैं, उनमें सबसे पहली जो चीज़ है बच्चों क्वेश्चन कह रहा है सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज मतलब 20 लाख न्यू कैपिटल, और रुपीज 20 लाख कहने का मतलब है ये अमाउंट है बच्चों, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था दैट दे इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू 100 रुपीज 100 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब ये जो 20 लाख का अमाउंट है ना वो कुछ ऐसा है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है रुपीज 20 लाख और एक शेयर है बच्चों 100 रुपीज का, तो यहाँ पर शेयर्स कितने हैं? यहाँ पर बच्चों यूनिट टेन थाउजेंड और ये ट्वेंटी थाउजेंड, तो ये 20,000 बच्चों यहाँ पर शेयर्स हैं, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर नहीं दिया है, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच, मतलब एक शेयर 100 रुपीस का है और नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं, 20 लाख शेयर्स नहीं, वरना तुम्हारा अकाउंट बहुत कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल, रुपीज 20 लाख कहने का मतलब है कि 20 लाख अमाउंट है, एक शेयर 100 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। इस तरीके से भी क्वेश्चन में दी जा सकती है इंफॉर्मेशन। ओके सर, अब क्वेश्चन क्या कहता है? ऑफ रुपीज 100 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, मतलब 100 रुपीज का शेयर 20 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, मतलब कितने में इशू कर रहे हैं? 120। बट यही नहीं, इस क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ी सी अलग डिफरेंट दी है, जो आपको शायद से बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो प्रीमियम का 20 रुपीज़ है ना, वो अलॉटमेंट में भी इंक्लूड है और कॉल में भी इंक्लूड है। ठीक से देखते हैं पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पेएबल एज रुपीज 10 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मनी कितना है? 10। उसके बाद ध्यान से देखिए, रुपीज 40 ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज 10 प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ और 10 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब टोटल अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज़ है और उसमें सिर्फ प्रीमियम कितना है? 10। आगे कहा था 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो यहाँ सिर्फ 10, तो बाकी कहाँ है? आगे मिलेगा। रुपीज़ 50 ऑन फाइनल कॉल एंड रुपीज़ 10 प्रीमियम। अब हम सारी अमाउंट्स लिखते हैं और देखते हैं चीज़ें कैसे कॉपअप हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके हिसाब से 10 रुपीज़ है एप्लीकेशन का, जी सर। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है
कि जो 50 रुपीज़ हैं, 50 + 10 ये किसका है? अलॉटमेंट का है। और कितना है क्वेश्चन में? 50 + 10। अब ये 50 + 10 है या 50 ही है उस अमाउंट में इंक्लूडेड है, ज़रा ये देखते हैं। यहाँ पर ये 40 + 10 था, सॉरी, ये बच्चों 40 + 10 था, राइट। अलॉटमेंट वाला अमाउंट है 40 ऑन अलॉटमेंट एट 10 प्रीमियम, और यहाँ पर 50 ऑन फाइनल कॉल, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम। ऐड करते हैं, देखते हैं ये कितना होगा। तो ये होगा 60, 60, और ये कितना होगा? ये होगा 50, 6 और 5 11 और 10 20, तो ये हो गया 120, बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब उनका कुछ ऐसा है, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, फिर अलॉटमेंट पे आपको 40 + 10, मतलब इसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम है, 40 रुपीज़ कैपिटल का है, तो टोटल 50 रुपीज़ अलॉटमेंट का अमाउंट है। 50 रुपीज़ + 10, ये प्रीमियम जो 10 10 रुपीज़ उन्होंने ऐड किया है ना, ये आपको बहुत रेयर क्वेश्चन में, मतलब अलॉटमेंट के अलावा किसी और अमाउंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, ये आपको बहुत रेयर देखने मिलेगा। वैसे एंट्री में कुछ चेंज नहीं है, प्रीमियम कहाँ आता है? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, अभी मैंने आपको जो 2-5 मिनट पहले बताई उसमें यहाँ पर क्या लिखा था? नॉर्मल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो फाइनल कॉल में भी वही करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट उतना भी नहीं। इस तरीके से आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वैसे बता दूं, ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस में सबसे जो डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है वो लगभग यही है। सो द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए, हमें पता था क्वेश्चन में 20,000, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, बट इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं? 26,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं। तो बच्चों, इसमें से एक्सेस शेयर एप्लीकेशन, एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस कितने हो गए? सर, एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस हो गए 6,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशंस है वो है एक्स्ट्रा, एक्सेस है वो एक्स्ट्रा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। The applicants on 2000, the applicants on 2000 shares were sent a letter of regret. इसमें से कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स को बच्चों हमने भेजा है लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब है कि हम आपको कोई शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, हम आपका एप्लीकेशन क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करते हैं मतलब हम 2000 शेयर्स का पैसा क्या करेंगे? रिफंड। 2000 शेयर्स का कौन सा पैसा? एप्लीकेशन मनी। 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी का मतलब हो गया 2000 शेयर्स इंटू 10, ये पैसा हम लोगों को क्या कर देंगे? रिफंड। ओके, बट तो सर हमारे पास तो टोटल 6,000 एक्सेस है, 6 में से सिर्फ कितना, 6 में से हमने सिर्फ कितना क्या कर दिया? रिजेक्ट या रिफंड कर दिया सर 2000 शेयर्स, तो बचे 4000 का क्या होगा? क्वेश्चन ही बताएगा। आगे देखते हैं। वापस से, द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वेर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब हम आपको कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते, आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। ऑब्वियसली रिजेक्ट करोगे तो रिफंड करना ही पड़ेगा। आगे, फिर द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा। और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है, बैलेंस के लिए क्या किया गया बच्चों? बैलेंस के लिए क्या किया गया? प्रो रेटा अलॉटमेंट। और प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। किसके अगेंस्ट एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के अगेंस्ट वो पैसा हम क्या कर देंगे बच्चों? एडजस्ट कर देंगे। ठीक है सर, कर देंगे एडजस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रीज में लिखेंगे देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारे पैसे अच्छे से मिल गए हैं। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। सो हम वही करेंगे, वी विल रिकॉर्ड ऑल दिस, वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ सुचेता लिमिटेड। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक दो चीज़ें नई हैं, उन नई चीज़ों को जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में लिखते हुए समझते हुए चलते हैं। अब ये जो पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
ये जो पार्ट है ये वर्किंग नोट का पार्ट है। इसमें से काम की चीज़ क्या है, पहले आपको ये वाला जो पार्ट है ना 20 लाख डिवाइड बाय 100, ये क्यों किया, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज में दिया था शेयर कैपिटल, तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स तो पता चलने चाहिए ना। तो हमें पता चले 20,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, एप्लीकेशंस मिले 26,000, तो हमें ये पता चला 6,000 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशंस है। उन एक्सेस एप्लीकेशन को हमने से 2,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट, और बाकियों को क्या करेंगे, प्रोरेटा। बाकियों को मतलब कितने शेयर्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट मिलेगा, 4,000 शेयर्स को। ये नंबर्स समझ में आना, पर शेयर रुपीस कितने हैं, अमाउंट कितना है, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। अगर आप पर शेयर या नंबर ऑफ शेयर्स को ठीक से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो जर्नल एंट्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों ये था हमारा ये वाला पार्ट, अब मैं इस पार्ट को रफ करूँगा और अब फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे जर्नल एंट्रीज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्रीज के साथ, मैं एक मिनट इसे रफ कर लेता हूँ। जर्नल एंट्रीज कंटिन्यू करते हैं हम, बहु चलिए। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड रुपीज 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स, रुपीज 100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, ये हमने देख लिया था। पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, तो 10 रुपीज मिलेंगे हमें एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री करते हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट वगैरह सब ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ही है क्वेश्चन में, जी सर इक्विटी शेयर्स ही है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बच्चों वाइल रिसीविंग एप्लीकेशन हमें नहीं पता होता है कि हमें कितने एप्लीकेशन मिलेंगे, तो जितने एप्लीकेशन मिले उनकी पूरी एंट्री आएगी, दैट इज वी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 26,000 शेयर्स और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी 10 रुपीज था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 ऑन एप्लीकेशन क्लियरली मेंशन है, तो 26,000 इंटू 10 260,000, टू लैख सिक्सटी थाउजेंड नरेशन में हम लिखेंगे बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बाद बच्चों जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो आती है ट्रांसफर की, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री क्या आती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री में जो क्रेडिट में है वही नेक्स्ट एंट्री के डेबिट से स्टार्ट हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई बच्चों हमारी ओरिजिनल एंट्री। इस ओरिजिनल एंट्री के बाद अगर कुछ रिफंड है तो हम क्या लिखते हैं, टू बैंक, और अगर कुछ पैसा एडजस्ट करना है तो हम क्या लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जैसे यहां पर, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने थे, एप्लीकेशंस कितने आए थे हमारे पास, 26,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे। शेयर्स हमने इशू कितने किए थे, हमने इशू सिर्फ 20,000 शेयर्स ही बच्चों हमने यहाँ पर इशू किए थे, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस कितने हैं, 6,000 शेयर एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस थे। इस 6,000 में से हम 2,000 शेयर्स का पैसा हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, और जो बैलेंस का पैसा है, बैलेंस मतलब कितना, 4,000 शेयर्स का जो पैसा होगा उस पैसे को हम क्या करेंगे बच्चों, एडजस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वापस से लिख दिया है मैंने, ऐसे ही मन किया लिख लिया। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पैसा हमें रिफंड करना है तो उस रिफंड के लिए बच्चों क्रेडिट में क्या ऐड होगा, टू बैंक। अब यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है अमाउंट लिखने की, पहले तो यही 260,000 यहां डेबिट में आ जाएगा, जी आ गया। अब इसके बाद रिफंड हमें कितना करना है, 2,000 शेयर्स का पैसा हमें क्या करना है, रिफंड, और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना था, 10 रुपीस, ये रहा, तो 2,000 शेयर्स का इंटू 10 रुपीस पर शेयर हमें क्या करना होगा बच्चों, रिफंड करना है।
तो कितना रिफंड करना है हमें, 2000 इंटू 10 कितना हो गया ये 20,000, बराबर। जी सर। सर इसके बाद 4000 शेयर्स का पैसा जिनको मतलब बाकी बैलेंस शेयर्स को हम प्रोरेटा अलॉट करेंगे, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करने का मतलब है कि वो पैसा एडजस्ट करके दिया जाएगा फर्दर अलॉटमेंट में, तो उसे यहां लिखते हैं टू इक्विटी है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब ये पैसा हम आपको अभी नहीं देकर, रिटर्न ना देकर आपके अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। ऐसा हम किनको कह रहे हैं, ऐसा हम बाकी के टोटल शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं। इन शॉर्ट हुआ क्या है, 26,000 शेयर्स में से 2,000 क्या हो गए बच्चों, रिजेक्ट, बचे कितने 24, और उन 24,000 शेयर एप्लीकेशंस को हमने 20,000 शेयर दे दिए, तो जो 4,000 वाले एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था ना, वही पैसा हम उनको कह रहे हैं कि भैया हम आपके अगले इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, एडजस्ट। ओके, तो ये अमाउंट हमने कैसे फाइंड आउट की, सर ये 4,000 थे एप्लीकेशंस जो हम एडजस्ट करके दे रहे हैं और एक शेयर का 10 रुपीज़ है, तो यहाँ कितना हम उनको एडजस्ट करके देंगे 40,000, ये हो गया 40 और 20 60, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 लाख रुपीज़। और इस तरीके से हमने एक बड़ी सी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर, एक्सेस मनी रिफंडेड और बैलेंस को हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड एंड एडजस्टेड। हमने रिफंड भी कर लिया और कुछ पैसा हमने क्या कर लिया, एडजस्ट भी कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट होती है। इस एंट्री का इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ओरिजिनल एंट्री लिखिएगा, जो रिफंड है उसे टू बैंक के फॉर्म में और जो एडजस्ट है उसे अगले, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखना होता है। दोनों एंट्रीज हो गई। थर्ड एंट्री आएगी अलॉटमेंट ड्यू की, सिंपल एंट्री पहले फिर जो चीज़ें ऐड है एड ऑन्स है उन्हें बाद में। तो सिंपल एंट्री क्या आती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले एंट्री लिखते हैं यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके सर। और टू यहां पर क्या आ जाएगा, इक्विटी सर यहां पर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो उस प्रीमियम को हमने कहा था सर, हम लिखते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वैसे तो क्वेश्चन में शेयर्स 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, शेयर्स कितने प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं 20, बट अलॉटमेंट में सिर्फ प्रीमियम का कितना अमाउंट है 10 रुपीज़, ऐसा इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली किया गया है, वरना पूरा का पूरा प्रीमियम जनरली अलॉटमेंट में ही इंक्लूडेड होता है। तो बच्चों हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, देखिए वैसे मैंने यहाँ पर पहले लिख के रखा था अलॉटमेंट की अमाउंट, क्वेश्चन कितना कह रहा है 40 ऑन अलॉटमेंट एंड रुपीज़ 10 प्रीमियम, मतलब 40 और 10 दोनों अलग अलग हैं, तो टोटल 50 रुपीज़ हो गए। कितने शेयर्स हम अलॉट कर पाएंगे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा आपने जितने शेयर्स इशू किए थे आप उससे ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, तो हमने 20,000 शेयर्स इशू किए थे तो हम अलॉट भी सिर्फ कितना कर पाएंगे 20,000 शेयर्स। तो बच्चों ये उन 20,000 शेयर्स का 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 10 मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 50, ये हम अलॉटमेंट का अमाउंट होगा। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ठीक है हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लेते हैं, 20,000 शेयर्स का 10 रुपीज़ प्रीमियम का होगा, जी सर। अब हम इन्हें लिखते हैं, तो बच्चों अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 × 2 = 10, ये हो गया 10, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये कितना हो गया 10 लाख रुपीज़ हो गया। अब यहाँ अमाउंट देखेंगे, इसको देखिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 × 10 तो 1, 2, 3, 4 और 5 ज़ीरोज़, तो लिख लेंगे 5 ज़ीरोज़, 2 के बाद 2, 1, 2, 3, 4 and 5 तो ये कितना हो गया, ये अमाउंट हो गई बच्चों हमारी 2 लाख। तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा अमाउंट, आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। इस तरीके से बच्चों आपको अमाउंट लिखनी है, यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में
50 रुपीज़ क्यों लिखा, क्योंकि 40 एंड 10 मतलब टोटल 50 था। वैसे यहाँ पहले वर्किंग नोट में यहाँ पर आपको लिखकर बताया भी था, तो वो टोटल 50। जी सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ 10 रुपीज़ है, वैसे टोटल 20 प्रीमियम है क्वेश्चन में, बट अलॉटमेंट में सिर्फ 10 इंक्लूडेड है, तो उसको हमने इंक्लूड किया और हमने ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट की है। क्या ये क्लियर है? जी। अब इस अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री के बाद, हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना, वो कुछ और नई चीज़ आएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब यहाँ देखिए, अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना था? सर, अलॉटमेंट का जो टोटल अमाउंट है वो है 10 लाख। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना है? 10 लाख। अब रिसीव की एंट्री देखता हूँ, ध्यान से लिख रहा हूँ, ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या पूरा का पूरा 10 लाख मिलेगा क्या? नहीं बच्चों, पूरा का पूरा 10 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन के नाम पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सेस, जब कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की बात आएगी ना, तो आपने जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से ही एडजस्ट करके रखा है 40,000, 10 लाख आपको आना था बराबर है, बट 40 ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हैं, तो आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ वही रिसीव होगा, और वो कितना होगा? 9,60,000। मतलब अलॉटमेंट रिसीव्ड की अमाउंट सिर्फ कितनी होगी? 9,60,000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई होप ये आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब ये वाले कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहेगी, जब कभी भी जहां पर भी हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करके देंगे, तो वो तो बच्चों हम इस एंट्री में लिख लेते हैं यहां पर कि सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर ली, एडजस्ट कर ली। हम यहां लिख लेते हैं कि सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली, तो एडजस्ट कर ली कहने का मतलब है आपके पास ऑलरेडी 40,000 उन्हीं शेयर होल्डर्स के पड़े हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू में आप उनसे कहोगे कि चलो अब 10 लाख रुपीस लेकर आओ अलॉटमेंट के, तो वो वापस से आपको पूरा का पूरा अमाउंट थोड़ी देंगे, वो आपको कहेंगे ना कि सर हमने एप्लीकेशन करते समय एक्स्ट्रा शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पे किया था और वो पैसा आपने हमको रिफंड नहीं किया, आपने कहा कि हम आप एडजस्ट करके दोगे, और एडजस्ट करके दोगे से कहने का मतलब है बिल तो बनेगा 10 लाख का, ड्यू होगा 10 लाख, बट सिर्फ रिसीव्ड कितना होगा? 9,60,000। क्यों? क्योंकि 40,000 पहले से ही मिल चुके हैं। ये और भी क्वेश्चंस में रिवाइज होगा, तब और बार बताया जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री। अब और एक कॉल बचा है, फाइनल कॉल, वो भी कुछ इसी तरह है, देखते हैं। बट इस बार फाइनल कॉल में प्रीमियम है जो आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, सिंपल एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू क्या है? वैसे फाइनल कॉल ही नाम है ना? जी सर, फाइनल कॉल ही नाम है। एंट्री आती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री लिखते हैं और उसमें एडिशन करते हैं, अपडेट्स करते हैं। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी सिंपल सी एंट्री। बट इस बार इसमें भी प्रीमियम है, और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट में लिखा जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और मैं और एक बार बोल लूँ, ऐसा आपको बहुत कम देखने मिलेगा, वरना 99% क्वेश्चंस में प्रीमियम अलॉटमेंट में ही इंक्लूड होता है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और में इंक्लूड नहीं हो सकता, हो सकता है, बट एक जनरल प्रैक्टिस होती है, तो उसी के बारे में कह रहा हूँ मैं। इस बार फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है तो हमने लिख लिया। अमाउंट की बात करते हैं, देखिए फाइनल कॉल में 50 एंड 10 प्रीमियम, मतलब टोटल कितना हो गया? 60। कितने शेयर्स थे? सर हम मैक्सिमम जो शेयर्स अलॉट कर सकते हैं वो है 20,000 शेयर्स, और यहाँ पर इस बार वो अमाउंट होता है 60, 20,000 इंटू 60, तो 6 इंटू 2 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना हो गया हमारा? 12 लाख रुपीज़। जी अब यहाँ पर अमाउंट प्रीमियम की है, उसे लिख लेता हूँ, डायरेक्टली वो नहीं लिखता हूँ। प्रीमियम सेम 20,000 शेयर्स थे, और सर 10 रुपीज़ क्या है? प्रीमियम है,
तो 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5 जीरोस, 2 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 लाख। तो यहाँ ये जो कैपिटल का अमाउंट है बच्चों वो कितना आएगा, 10 लाख। टोटल अमाउंट 12, 12 माइनस 2, शेयर कैपिटल कितना का होगा बच्चों, 10 लाख का। नरेशन में लिखेंगे बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये फाइनल कॉल मनी हमने ड्यू की एंट्री कर ली। इसके बाद फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब देखो फाइनल कॉल को कहीं पर भी एक्सेस, मतलब उतना भी एक्सेस नहीं था कि फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना पड़े, सिर्फ अलॉटमेंट को एडजस्ट करना था, इसलिए वो माइनस हुआ। फाइनल कॉल जितना ड्यू हुआ है 12 लाख, वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिसीव्ड। एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ये जीरोज नहीं दिख रहे हैं तो इन्हें वापस लिख देते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 12 लाख। नरेशन में लिख लेंगे बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग फाइनल कॉल मनी, बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या ये क्लियर है? जी सर, हाँ ये क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमने एक दो चीज़ें नहीं देखी। पहला तो बच्चों हमने देखा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड और एडजस्ट दोनों था, फिर प्रीमियम था क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखा हुआ है हमने, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कैसे करना है ये वाला पॉइंट भी हमने देख लिया। आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ें रिपीट होंगी, इन बातों को ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्या उन सी बातों को, जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की बात होती है, देखो रिफंड तो टू बैंक में हो गया, एडजस्ट कहने का मतलब है हम ट्रांसफर वाली एंट्री में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐड करेंगे, किया। तो जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा ना, तो जितना ड्यू हुआ था उसमें से वो अमाउंट माइनस करके ही आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वाली एंट्री में लिखना है, ठीक है? और एक बार देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है?